पहलवानों को न्याय लेने के लिए मजबूरन गंगा पर फैलने तक की नौबत आ गई। ये बड़े पूरे देश के लिए शर्म की बात है। वो कोई एक प्रदेश के नहीं, देश के पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, और उनकी अपनी मेहनत थी। मैंने भी अपील की थी कि किसी की मेहरबानी से तुम्हारे को नहीं मिले मेडल, तुम्हारी मेहनत से है। गंगा में प्रवाह मत करो, उनका तुम और करो अपना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को कर ले कुछ कर ले, उनको न्याय दे। मैं तो न्याय नहीं मांग रहा, न्याय तो पहलवान मांग रहे हैं। और जो बीजेपी कह रही है कमल जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का हाथ है इनको, ऐसा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ जो उनके साथ अन्याय हुआ है, सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलवाना चाहिए। मैं इस बात को सर आ रहे, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी इसमें हरियाणा से है, तो हमें कांग्रेस को इसके लिए अभियान शुरू करेगी पार्टी स्तर पर। क्या कोई अभियान पार्टी? देखिए, मैं खिलाड़ियों के मामले में कोई राजनीति की बात नहीं करता हूँ, ना राजनीतिक लाइन में बात करता हूँ, लेकिन इस बात का जरूर अफसर करता हूँ कि हरियाणा सरकार मूक दर्शक बैठी हुई है। इनको भी उनकी संबंध करनी चाहिए, बात करनी चाहिए ऊपर, और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी तब एकजुट होगी। कल प्रस्ताव भी पास हुआ हमारा, एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। रिक्रूटमेंट की बात क्या है, ग्रुप बी से लेकर HCS की पार्टी के कपड़े करे बीजेपी, जेजेपी सरकार, इतने तो पेपर लीक हो गए। अब दूसरी एक और उन्होंने तरीका ढूंढा पेपर लीक का, कभी के क्वेश्चन पहले साल के 24 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 32 क्वेश्चन, हाँ 32 क्वेश्चन, अब तक करीब 30 पेपर लीक का अंजाम दे चुकी है सरकार। और HPSC भर्ती की परीक्षा में 32 क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में हुई एक परीक्षा के पेपर में हूबहू कॉपी कर दिए गए, और पिछले HCS का पेपर हुआ था उसकी कॉपी कर दी गई इसमें। तो इसी प्रकार पहले वेटनरी भर्ती क्योंकि साल 2017 की महाराष्ट्र में हुई एक भर्ती परीक्षा के 24% कॉपी की गई, ये वेटनरी की हो। इससे पहले HCS की भर्ती करने वाली HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ दफ्तर में 1 करोड़ रुपये पकड़ा गया था, लेकिन उस मामले की आगे कोई जांच नहीं चली, ना कोई जवाब मिला। मैंने इस बात को SMB में भी उठाया था।